Good afternoon, dear students. In today's lecture, we will study about the different components of a pavement, road pavement surface. Components of a road pavement structure, right? मतलब हम आज जो भी हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी अपना हमारे पेमेंट्स की, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की, आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो हमने फर्स्ट लेयर हमने देखी थी, जो दोनों पेमेंट्स में आपकी कॉमन थी, दैट वाज योर सब ग्रेड लेयर, राइट. सो फर्स्ट जो थी, जो बॉटम मोस्ट में थी, वो थी हमारी सब ग्रेड लेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सब ग्रेड लेयर. तो सब ग्रेड लेयर हमारी वो लेयर होती है जो कि नेचुरल सॉइल से बनती है, उसको प्रिपेयर और ट्रीट किया जाता है सो दैट वो क्या करे, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करे फॉर द वेरियस डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेमेंट मटीरियल. इट इज अ लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल prepared and treated to serve as a base for the various components of pavement materials based above it, right? तो सबग्रेड लेयर हमारी वो नेचुरल सॉइल की लेयर है, मतलब जो हमारा नेचुरल ग्राउंड है वो लेयर है जिसको कि हम नेचुरल ग्राउंड में सर्टेन ट्रीटमेंट देके उसे प्रिपेयर करते हैं और ट्रीट करते हैं सो दैट जो भी हमारी पेमेंट की अपर लेयर्स हैं, जैसे कि सरफेस लेयर या बेस लेयर या सरफेस लेयर, उन सबको एक प्रॉपर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, राइट. तो इसका मतलब जितना भी पेमेंट का जो लोड है, ऑल लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सबग्रेड. All load is finally transferred to the subgrade layer. जितना भी आपका traffic load आ रहा है उस pavement पे, वो finally जो layer होगी subgrade layer, उस पे transfer होता है और फिर finally ये subgrade layer क्या करती है, उसके नीचे जो underlying पूरा area है, large area, उसमें इस load को distribute करता है. क्योंकि आपने देखा है जो bottom most layer है वो subgrade layer है, तो वो क्या करेगी, पहले पूरे उसको carry करेगी सारे लोड को, जो लेयर से ऊपर की लेयर से उस पर आता रहेगा, एंड देन इट विल ट्रांसफर दैट लोड टू द अंडरलाइंग लार्ज एरिया विच इज प्रेजेंट बिलो इट. जो नेचुरल ग्राउंड इसके नीचे प्रेजेंट है उसमें उसको ट्रांसफर करेगी, राइट. तो जनरली जो हम इसकी थिकनेस रखते हैं सेपरेट लेयर की जो थिकनेस होती है मिनिमम, वो अगर हमारा स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है तो उसमें जो आपकी मिनिमम थिकनेस रहेगी वो होगी 500 mm, राइट. और अगर आपका नॉर्मल रूरल रोड है, राइट, तो उसमें आपका जो मिनिमम थिकनेस होती है इसकी, वो होती है 300 mm. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थिकनेस विच इज बींग स्पेसिफाइड ऑन नेशनल हाईवेज, ऑन स्टेट हाईवेज और योर रूरल रोड्स, राइट, इन इंडिया, राइट, इन इंडिया. सो अब बेसिकली जो हमारी ये सबग्रेड लेयर होती है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सो दैट जो भी लोड उसमें आएंगे वो उसे बेयर कर सके. और जो हम परमिसिबल लोड लगाते हैं, राइट, पेमेंट में जो परमिसिबल लोड होगा वो उस सॉइल की, जिस सॉइल के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए, राइट. सो परमिसिबल लोड शुड बी लेस देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड. मींस जिस भी सॉइल के ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है पेमेंट का, तो नेचुरली सबग्रेड लेयर हम उसी के ऊपर बना रहे हैं, तो जो भी उस पेमेंट पे लोड है परमिसिबल, मतलब मैक्सिमम लोड, वो उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर जो लोड हमने बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होती है, मतलब मैक्सिमम लोड जो वो बेयर कर सकती है विदाउट एनी फेलियर, राइट. तो अगर लोड उससे ज्यादा होगा तो हमारा पेमेंट जो है वो उसका जो डिजाइन है वो फेल हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द परमिसिबल लोड विच इज स्पेसिफाइड ऑन दैट पेमेंट दैट शुड बी लेस देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल सबग्रेड. नाउ देर आर वेरियस टेस्ट दैट आर carried out in order to find the strength of this subgrade layer. तो जो test perform होते हैं हमारे, test for calculating strength of subgrade layer
अगर आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है राइट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में आपके होते हैं नॉर्मली सीबीआर टेस्ट, जिसको कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, या फिर डीसीपी टेस्ट जो कि होता है डायनेमिक कोन पेनेट्रोमीटर टेस्ट, राइट, डीसीपी टेस्ट हो गया। देन होता है आपका ट्राइएक्सियल और डायरेक्शियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल और डायरेक्शियल टेस्ट, या फिर आपको होता है प्लेट बियरिंग टेस्ट। तो अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसमें हम सॉइल सबग्रेड की जो स्ट्रेंथ निकालते हैं जनरली आपके इन टेस्टों से निकलती है, और अगर रिजिड पेमेंट है तो रिजिड पेमेंट में हमारा प्लेट बियरिंग टेस्ट यूज करते हैं, राइट। तो ऑलवेज बिफोर डिजाइनिंग द पेमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सबग्रेड या नेचुरल सॉइल जो वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, एंड देन जो हम परमिसिबल लोड उस रोड में लिमिट करेंगे उसकी स्ट्रेंथ से कम होता है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो दैट विल गेट फेल्ड। तो ये दीज आर सम ऑफ द टेस्ट विच आर कैरीड आउट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड लेयर, राइट। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट जो हमारी सबग्रेड लेयर होती है, राइट, तो वो क्या होती है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द लोड विच इज बींग इम्पोज ऑन इट। देयर इज वन मोर पॉइंट, सबग्रेड शुड बी strong enough to bear the load. तो इसके लिए क्या होता है, हम उसको इतना strong कैसे करें कि जो उस पर load impose हो रहा है वो उसको completely bear कर ले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम compaction करते हैं, अभी हमने एक point पढ़ा था starting में subgrade की definition में कि subgrade is a natural soil which is being prepared and टेस्टेड या प्रिपेयर करते हैं उसको, सो दैट हम जो लेयर बना रहे हैं सेपरेट लेयर की वो एक अच्छा बेस सपोर्ट एक्ट कर पाए ओवरलाइन लेयर्स के लिए। तो प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि हम नेचुरल ग्राउंड पे एकदम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करते, हम पहले नेचुरल ग्राउंड को अच्छी तरीके से उसे कॉम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो कॉम्पैक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी ड्राई डेंसिटी अटेन हो रही है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अटेन हो जाए। तो अगर आपको ध्यान होगा कि आपने जोटेक में पढ़ा होगा, देर इज अ ग्राफ, देर इज अ रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, राइट, मॉइस्चर कंटेंट जिसमें हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उसके बीच में और ड्राई डेंसिटी के बीच में एक ग्राफ है, राइट। तो ड्राई डेंसिटी हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा कौन सा मॉइस्चर कंटेंट अटेन होता है, ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। आप देख सकते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे गामा डी ड्राई डेंसिटी हमें मैक्स मिल रही है, और जब हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी इज स्टार्टिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं सबग्रेड लेयर का, तो सब हमारा कॉम्पैक्शन इस तरह होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अटेन हो जाए, क्योंकि जब उसकी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी तो उसी टाइम पे वो मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पाएगा सॉइल और मैक्सिमम लोड को बेयर कर पाएगा, राइट। तो वो कब पॉसिबल होता है, जब हम जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो, राइट। सो इसीलिए सबग्रेड लेयर को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट करके उस पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंश्योर की जाती है, सो दैट वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए कि जितना लोड उस पर एक्ट कर रहा है वो उसको बेयर कर सके, राइट। सो दिस वॉज सम पॉइंट्स अबाउट योर सबग्रेड लेयर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड लेयर विच इज अवर सब बेस एंड बेस लेयर, ठीक है। अब हम इन दो लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये जो सब बेस होती है आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट में सेकेंड लेयर होती है, एंड बेस आपकी ऑब्वियसली जो रिजिड पेमेंट है उसमें सेकेंड लेयर होती है। तो इनके मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं फॉर प्रॉपर ड्रेनेज एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनके और फंक्शंस भी हैं जिसके मैं आपको इनकेस यू रिक्वायर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे आपके बुक्स में जो आपकी खन्ना बुक है खन्ना दोस्तों उसमें सारे नोट्स हैं, बट इनके जो मेन फंक्शन है वो है एक प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना और लोड को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। लोड को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होगा, अगर आपकी पेमेंट में नीचे पे सबग्रेड लेयर है उसके ऊपर आपने इतनी डिफरेंट लेयर्स प्रोवाइड किए हैं तो ये क्या कर रही है, एक तरह से पेमेंट की थिकनेस को बढ़ा रही है, पेमेंट की थिकनेस को बढ़ा रही है मतलब इसके लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो इन दो के जो बीच की लेयर है जो कि आपकी रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट में प्रेजेंट है, इनका फंक्शन होता है कि एक तो वाटर को प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना, जो वाटर उस पेमेंट के ऊपर आ सकता है इधर ड्यू टू रेनफॉल और एनी अदर सोर्सेस की, अगर कुछ वहां पे लीकेज हो गया, ठीक है, तो उस वजह से जो पानी आ सकता है मेनली रेनफॉल का जो वाटर है वो आपका ड्रेन होके प्रॉपर सबग्रेड में ना जाए, वो आपका उससे अलग हो जाए, राइट। तो उसके लिए प्रोवाइड होता है लोड को, और लोड को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब जब लोड ग्रेजुअली एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाएगा तो क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाएगा।
नाउ ये ड्रेनेज पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. तो क्या होता है बेसिकली जब आप एम्बैंकमेंट डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से होता है, मतलब हम उसमें एक स्लोप देते हैं जिसको आप कैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये इसलिए दिया जाता है, मतलब क्या होता है कि सपोज ये रेनफॉल हुई, ठीक है. अब रेनफॉल हुई तो हम नहीं चाहते कि हमारे सब ग्रेड तक पानी जाए, क्योंकि अगर सब ग्रेड तक पानी जाएगा तो वो क्या करेगा, सब ग्रेड में जो फाउंडेशन में सॉइल प्रेजेंट है उसको क्या कर देगा, वीकन कर देगा. उस वजह से जो हमारी सपोर्टिंग कैपेसिटी होगी पेमेंट की वो डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट द लोड दैट इज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन इट. तो इस तरीके से हम एम्बैंकमेंट डिजाइन करते हैं कि उसमें एक स्लोप देते हैं और ये जो लेयर होती है हमारी सब बेस लेयर, इसमें हम जनरली इंफीरियर क्वालिटी के लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को, ग्रेवल्स को हम फिल कर देते हैं, राइट. तो ये क्या करते हैं, जो इनमें पानी आता है, पानी इस तरह आएगा और ये इस तरह पानी को, क्योंकि स्लोप है तो ये पानी आपका पेमेंट से सबग्रेड लेयर में जाने के बदले ऐसे चला जाएगा, क्योंकि हमने स्लोप प्रोवाइड किया और इसमें जो ग्रेवल्स थे इनके बीच के पोर से होते हुए वो बाहर चला जाएगा, राइट. इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल गो आउटसाइड अवे फ्रॉम द पेमेंट. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ड्रेनेज, मतलब हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो पानी है रेनफॉल का वो हमारे सबग्रेड में ना चला जाए, इंस्टेड वो वहां से चले अलग हो जाए. तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि आई विल शो दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज ये हमारा एक रिजिड पेमेंट है, ठीक है, आपने उसको स्लैब्स के फॉर्म में डाला है, राइट. ये डिफरेंट आपके कॉन्क्रीट स्लैब्स होते हैं जो आपका टॉप सरफेस है, राइट. ये इस तरह यहाँ पे बीच में जॉइंट है, ठीक है. अब क्या होगा, सपोज आपका रेनफॉल हुई और आपने ये बेस कोर्स या सब बेस कोर्स नहीं दिया है तो पानी ड्रेन नहीं हो रहा है और रेनफॉल क्या हो रहा है, ऐसे पानी यहाँ नीचे आ जा रहा है. तो जब धीरे धीरे रेन का वाटर है जॉइंट्स के थ्रू अंदर लीक हो जाएगा और जब ये आपकी सबग्रेड लेयर है, जब ये सबग्रेड लेयर में पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे एक स्लरी बनाना शुरू करेगा. स्लरी मतलब लिक्विड पेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अंदर क्या है आपकी सॉइल है, मिट्टी है, और मिट्टी के साथ जब रेन का वाटर मिक्स होगा तो धीरे धीरे करके एक स्लरी को फॉर्म करेगा. तो जब धीरे धीरे ये स्लरी फॉर्म होगी तो इसके वजह से क्या होता है, देखो स्लरी फॉर्म हो गई तो यानी यहाँ पे जो सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू एयर वो कम हो गई. कम कैसे हुई, अभी हमने आपने क्या देखा था, ग्राफ देखा था एक, राइट. उसमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे थी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. तो हमने जब सबग्रेड बनाया तो हमने उसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक कॉम्पैक्ट किया है, लेकिन जब एडिशनल वाटर वहां पे आ गया, जब वाटर कंटेंट बढ़ा तो आप देख रहे हैं गामा डी इज स्टार्टिंग डिक्रीजिंग, गामा डी आपका डिक्रीज होने लग गया, मॉइस्चर कंटेंट कम होने लग गया है, राइट. सॉरी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने लग गया तो ड्राई डेंसिटी कम होने लग गई है. तो ड्राई डेंसिटी जब कम होनी शुरू हुई तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी. और इस तरीके से जब जो कोई व्हीकल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, व्हीकल यहाँ पे आया तब तक तो उसने रेजिस्ट कर लिया, जैसे ही वो इस पोजीशन से गुजरेगा तो पेमेंट हमारा इस तरीके से हल्का सा बेंड होगा, राइट. क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल की सपोर्टिंग कैपेसिटी क्या है वो कम हो गई, तो वो इस तरह बेंड होगा. जब वो इस तरह बेंड होगा तो वो क्या करेगा, ये जो स्लरी है लिक्विड है तो ये क्या होगी, ये बाहर आ जाएगी. स्लरी विल कम आउट ड्यू टू द हैवी लोड ऑफ पेमेंट. पेमेंट इस तरह बेंड हुआ, उसके अंदर जो लिक्विड स्लरी फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मड पंपिंग. तो इस तरीके से क्या होगा, जब धीरे धीरे इस तरह एक तो आपके रोड में यहाँ पे जो सर्फेस है वो खराब होता जाएगा, मड पंपिंग होती जाएगी. और जब मड पंपिंग इतनी ज्यादा होती जाएगी कि अंडरलाइंग जो सॉइल है वो गायब ही हो गई, तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट तो लोड को यहाँ पे रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपकी जो डिजाइनिंग है वो फेल हो जाएगी. क्योंकि हमारे डिजाइनिंग में हम क्या चाहते हैं कि सबग्रेड उस सारे लोड को बेयर करे जो उसके ऊपर आ रहा है. अब धीरे धीरे करके अगर स्लरी फॉर्म होके स्लरी आउट होती जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे सॉइल बचेगी नहीं उसको रेजिस्ट करने के लिए, लोड को रेजिस्ट करने के लिए. सो इस प्रोसेस को हम बेसिकली मड पंपिंग कहते हैं. और अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज नहीं प्रोवाइड करते हैं अपने पेमेंट में तो मड पंपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली जो सब बेस और बेस लेयर है इनका यही फंक्शन होता है कि ये ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं. सब बेस में हम लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करते हैं जो आपके ग्रेवल्स होते हैं, राइट. लोकली अवेलेबल मटेरियल ग्रेवल्स. और इसमें हम जो बेस लेयर में हम जो प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी ग्रेवल्स को ही यूज करते हैं. ग्रेवल हो गए आपके, ठीक है, या फिर सैंड हो गया, उसको यूज करते हैं. क्योंकि क्या होता है, ये डायरेक्टली आपके सरफेस कोर्स के नीचे है, राइट. तो इस पे लोड भी हाईली इम्पोज होता है, तो इसीलिए उसका काम लोड को बेयर करना भी है. तो और क्योंकि सब बेस लेयर का तो मेन जो फंक्शन है वो ड्रेनेज ही होता है, तो उसमें लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं जो ग्रेवल्स होते हैं. लेकिन इसमें हम अच्छी क्वालिटी के इसमें इंफीरियर रहते हैं, इसमें सुपीरियर क्वालिटी के हम मटेरियल्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना भी है जो सरफेस लेयर से इस पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट. सो दिस वॉज योर सब बेस एंड बेस लेयर बेसिकली. एंड नाउ जो आपकी थर्ड लेयर है, लास्ट लेयर, दैट इज योर सरफेस कोर्स.
नाउ जो आपकी थर्ड लेयर है वो होता है आपका सरफेस कोर्स, राइट। तो सरफेस कोर्स मतलब आपका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, मतलब जिसपे सबसे पहले जो लोड है, वी लोड पर अप्लाई होगा। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है, इट इज प्रोवाइडेड, एक तरह से फिनिशिंग होती है ये पेमेंट की, इट इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथ राइडिंग क्वालिटी, राइट। मतलब जो हमारा रोड है उसमें जो भी व्हीकल जा रहा है, ड्राइव हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हम ऑब्वियसली जब आपकी ड्राइविंग करते हैं तो आप चाहते हैं जहां पे जितनी रोड्स जितनी स्मूथ होती है आपको राइडिंग उतनी ज्यादा ईज होती है। तो जो सरफेस फोर्स होता है उसका बेसिकली फंक्शन ये है कि जो राइडिंग क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें हम एक थिक बिटुमिनस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने देखी होंगी फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटुमिन की रोड होती है, तो थिक बिटुमिनस सरफेस को हम प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें हम सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब प्रोवाइड करते हैं इन द टॉप सरफेस। तो ये होता है हमारा सरफेस कोर्स, जिसका मेन फंक्शन है कि आपकी जो क्वालिटी है राइडिंग क्वालिटी वो स्मूथ हो जाए। तो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट वी यूज थिक बिटुमिनस सरफेस, एंड इन केस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रिजिड पेमेंट वी प्रोवाइड सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ मेन फंक्शन ऑफ दीज पेमेंट लेयर्स। आई होप आप हाईवे में जितने भी लेयर्स के जो जो प्रॉपर फंक्शन होते हैं पढ़ चुके हैं। ये हमने आज कुछ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन को कवर किया है जो आपको पता होने चाहिए, राइट। बाकी पेमेंट लेयर्स का मेन फंक्शन वही है कि जो आपकी सब ग्रेड लेयर है उसका मेन फंक्शन है कि वो जितना लोड उस पर आ रहा है वो उसको अच्छे से कैरी कर पाए विदाउट बीइंग फेलियर, और उसको नीचे अपने जो अंडरलाइंग उसका लार्ज एरिया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। फिर आपकी जो सब बेस और बेस लेयर्स है उनका मेन काम होता है कि एक तो ड्रेनेज प्रोवाइड करना, दूसरा थिकनेस को बढ़ा के लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को ईज करना, उसको ईजी करना, राइट। एंड देन जो सरफेस कोर्स है इट इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग द स्मूथ राइडिंग क्वालिटी। इसमें हम उसमें जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि जो राइडिंग क्वालिटी हो वो एक आपको राइडर को स्मूथ राइडिंग क्वालिटी मिले। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पेमेंट लेयर्स। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।